सो राजा बधनाएं भर के रथ में और निकल के आ रहे थे। श्रोता बंधु जब इधर से गए थे, सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, इधर से जब महाराज दशरथ गए थे तो रास्ता के सहारे एक बैल मरा हुआ पड़ा था, एक बैल बिल्कुल मरा हुआ पड़ा था। और जब पल्ली तरफ से रथ भर के लाए और तब हुआ क्या है, सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे समय नहीं भूपति ने रे कियो, एक बात और बताऊं इसमें, आपने सुना होगा कि हमेशा तालाब जो बनवाए जाते हैं, कुआं बनवाए जाते हैं वो पानी पीने को, लेकिन राजा दशरथ के यहां वो ताल कौन सा था, जिस ताल पर राजा रखवारी करते थे पानी नहीं पीने देते थे, उसी ताल पर श्रवण कुमार के बाण मारा था, वो कारण कौन सा था क्या? अरे समय नहीं भूपति मेरे कियो, मांगने जाना पड़ा, कितने सूर्यवंशी राजा थे। लेकिन सुनो, सोचिए नृपति जो नीत न जाना, ये वशिष्ठ जी ने कहा था भरत जी से, क्या अगर सोच ही करना है तो सोच भरत इस बात का करो कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना, सोचिए नृपति जो नीत न जाना और जेहन प्रजा लगे प्राण समान, जो राजा प्रजा को प्राणों के समान नहीं मानता है ऐसे राजा के लिए सोच करना चाहिए। तो आज राजा ने अपना मान और सम्मान नहीं देखा, प्रजा के लिए आज राजा ने धन मांगा। और जब राजा चक्रवर्ती के यहां से और धन भर के ला रहे थे रथ में, आए परिचित जी बाई गेल पे रहे ता गेल पे पहले गए, एक बैल मरा हुआ पड़ा था, हुआ क्या है, अरे आयो खुशी मनाई, सब राजा बेचैन भैया और रुपयों सब दुख मिटाई, अरे सब राजा बेचैन भैया अब दियो सब दुख मिटाई, दशरथ बलदेव तेई पहलू
करती है, कभी जीवन में किसी से कर्ज लाओ तो कर्ज लाते समय कभी खुश मत होना, खुश मत होना, आपत्ति के समय लिया जाता है, परेशानी में लिया जाता है। आज राजा दशरथ कर्ज लेकर के आ रहे हैं और जैसी वह रास्ता बह के निकले क्या पर जो भूपले आयो
पूरा जीवन समाप्त कर दिया जाई के ना काम कर करके। एक मोहर पट गई, दूसरी बार जन्म फिर लिया और दूसरी बार अब की फिर मराऊं, दूसरी मोहर अब की पट गई महाराज। अब एक और रह गई है बाकी, एक एक जन्म में एक एक मोहर पटाई है मैंने बैल बन के। तो महाराज हंसी मोह आई है क्या, तुम जैसे राजा को कर्ज मांगना पड़ा। और महाराज हंसी जो आई कि जाई चक्कर बैल पे तो मैंने तीन मोहर ली थी कर्ज में, एक बार बैल बनाऊं पूरे जीवन मेहनत करता रहा इसके घर पे तब एक मोहर पटी है, और दूसरी बार जन्म फिर लिया है, दूसरी बार बैल ही बन के फिर चलाऊं, आज मेरी मृत्यु हो गई तो मोहर पटियां वही एक बाकी है। तो एक एक जन्म में एक एक मोहर पट पा रही है या चक्र में महाराज की। तो दशरथ महाराज हंसी नो आई अगर त्याय रथ में तो गिनती है ना कि तई लायो कब तक पटावो। वो हंसी महाराज जाके माया ए राजा दशरथ हिल गए पूरे, जो हिल गए कि जी एक एक मोहर एक एक जन्म में पट रही है तो ऐसा कज्जु मोए कबू ना चाहिए। और क्या करो, अरे सोई बाहन दा मुराकाई चक्रवेन महाराज मुस्का के हम तो कहे ये तुम महाराज मोहना चाहिए मोह पर ना झले जाए तुम अपन वापस कर लो। चक्रवेन महाराज बोले का हमारे यहां तो दस रजिस्टर में चढ़ गो और तुम्हें मालूम ना नियम की, हमारे यहां नियम है जा जन्म में लौट तू ना है। अब राजा चक्कर में परे का भगवान ले जा तू तो जाई बैल की तरह चलनों पर हो और लौटाते तुझे लौटाते ना है। वो अब सोच में पड़ गए अब क्या करें। तो श्रोता बंधु आज मां धनकू रथ में भर के और राजा दशरथ फिर लौट के आए कहां बाई बैल के जोड़े जो बैल मरा हुआ पड़ा था। तब कही महाराज आप कोई ना कोई दिव्य शक्ति हैं तो मुझे बताओ जा कर्जते अब बचू तो बचू कैसे। राजा लौटा तनाए और ले जाते हैं तो त्यारे ये सवाल फिर हमारो हो गए। तब बैल ने की देख मेयो तो पटगो मेयो तो एक और रह गए बस, पर भैया तेरे रथ में तो गिनती ना है कितनी भर रही है, तू मोहर भर के लाया है पर तू एक काम कर देगा चतुराई कर ले तो बचा दूंगा अगर तू बचना चाहे तो। तो आज वो बैल अकल बता रहा है, मरा हुआ बैल अकल बता रहा है महाराज अब धन को लौटाना मत। राजा चक्र मैन के यहां नियम नहीं है वो लौटाएंगे ही नहीं, अब तुम इस धन को अपने घर ले जाओ। और क्या करोगे, अरे
को ले जाओ और इसी धन से चक्रवर्ती महाराज के धन से एक बहुत सुंदर तालाब बनवा दो और तालाब बनवा के तालाब पर पटिया लगवा देना चक्रवर्ती महाराज के नाम से। और जब पटिया लग जावे एक काम और कर दियो, इसी धन से जाकर के तालाब बनवा दो और उस तालाब पर पटिया लगवा देना चक्रवर्ती महाराज की और धनुष बाण लेकर के तालाब पर रखवारी करना, कोई पानी पीने मन देना किसी को। ए महाराज तुम कौन से भेष में हो, दुनिया तालाब कुआ बनवाते पानी पीवे को और तुम वो उल्टो काम करवा रहे हो कि पानी मत पियन दियो। राजन जो कह रहा हूं ताइये कर दियो, नहीं बचोए ना कैसे, बचवैया नहीं कोई। आज उसी चक्रवर्ती महाराज के धन से वो सरोवर बना था तालाब, जहां ताल पे महाराज दशरथ धनुष बाण लेकर के बैठते थे, उसी तालाब पे श्रवण कुमार ने पानी भरा था। पानी नहीं पीने देते थे श्रोता बंधु। एक बार जब महाराज चक्रवर्ती को पता चला था, सब संत महात्माओं ने जाकर के कहा कि तुम इतने बड़े धर्मात्मा राजा हो, दुनिया तालाब और कुआ बनाते पानी पीवे के लिए और महाराज तुमने ऐसा ताल बनाओ ताप पहरेदार बैठा दो है। चक्रवर्ती महाराज बोले भैया हमने तो कोई ताल बनवाओ ही ना है, हमने ऐसा ताल कोई खुदवाओ ही ना जहां पर पहरेदारी है रही है। महाराज बिल्कुल झूठ कह रहे हो, और पहरेदार कमजोर नहीं महाराज, पहरेदार भी सूर वंश का नायक है और तुम्हारे नाम की पट्टिया लगी हुई है। तब महाराज बैन चक्र उस तालाब तक चल के आए, सरोवर पर देखा पटिया लगी हुई थी उन्हीं के नाम की। क्या इस सरोवर को चक्रवर्ती महाराज ने बनवाया अपने धन से और पहरेदार महाराज दशरथ बन के रहते थे। तब चक्रवर्ती महाराज ने की, जब तालाब पे पानी पीने दुनिया आती है और तुम जहां पर रखवारी करते हो, तुम्हें किसने हुक्म दिया है तुम तालाब पर पानी पीने से रोकते क्यों? दशरथ महाराज ने दोनों हाथ जोड़ के क्या, अरे राजा जी आहे तालू तुम्हारो को मैं रखा रहा था महाराज, आज मालिक आ गए और मालिक के हुक्म से आज हम तो बरी हैं। इस तरह से महाराज दशरथ बच पाए थे। वही सरोवर था बैन चक्र महाराज जिनके धन से बना था, उसी तालाब पर श्रवण कुमार के राजा दशरथ ने बाण मारा था। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, कल की कथा में पूरे दिन रामचरितमानस की कथा होगी, पूरे दिन रामचरितमानस की कथा होगी। और एक बात जीवन में ध्यान रखना, जन्म और मरण दोनों सुधारना चाहते हो तो भागवत जी को पढ़ लो, राजनीति अच्छी करना चाहते हो तो महाभारत को पढ़ लो, और जीवन अच्छा जीना चाहते हो तो रामचरितमानस को पढ़ लो।
प्रत्येक कर्म बताया है, भाई का कर्म क्या है, बाप का कर्तव्य क्या है, नारी का कर्तव्य क्या है, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य क्या है, ये रामचरितमानस बताती है। तो कल रामचरितमानस की कथा रहेगी पूरे दिन, और सभी प्रेम से एक भगवान के नाम का कीर्तन बोलेंगे ताली बजाते हुए। यज्ञपति मोदक जी लगते हैं मन भी तुम जबरदस्ती नचाए जाता हो लठते हैं।